हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा, निशा फूड क्रेस में आप सबका स्वागत है। तो आज निशा की रसोई में बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट इस हलवे को बनाएंगे चने दाल से, जो कि आप महीनों तक बनाकर रख सकते हैं। 1 से 1.5 महीना आप इसे फ्रिज में आराम से बना कर रख सकते हो, बाहर इसे 15 दिन तक बना कर रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और स्वादिष्ट इतना होगा कि कुछ कहने को नहीं। 2 घंटे चने की दाल को भिगोकर उसका पानी निकाल कर ले लिया है और उसके बाद यहाँ के कढ़ाई में 2 चम्मच डालेंगे देसी घी और चने के दाल को हमें भूनना है। बहुत ही टेस्टी है, आप बोल लीजिए चने की दाल की बर्फ़ी या हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इसे हमें एक देसी घी में अच्छे से भूनना है सारी दाल को ड्राई होने तक, जो इसका पानी है मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और दाल बिल्कुल ड्राई सूखी सूखी सी हो जाएगी। इतनी देर तक हमें भूनना है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी दाल ली थी, भिगोई थी, और ये 1.5 कटोरी से 3 कटोरी मतलब उसकी डबल दाल हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। गर्मी का टाइम आ गया है, बच्चे बाहर कुछ ना कुछ खाने को मांगते हैं या कोई गेस्ट आ जाए तो आप इस मिठाई को बना कर रख सकते हो और सर्व कर सकते हो अपने मेहमान को। स्वाद इतना लाजवाब होगा, गारंटेड है कि आपको तारीफ करते लोग नहीं थकेंगे। तो यहाँ देखिए कलर चेंज हो गया है, दाल देखिए कैसी हो गई है, बिल्कुल भरभरी सी हो गई है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, इस तरह से ये बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए। बाहर से ये करारी सी लगेगी, अंदर से ये थोड़ी सी सॉफ्ट होगी मगर बिल्कुल ड्राई रहेगी। अब इसे ठंडा करके हमें मिक्सर जार में इसको पाउडर बना लेंगे। बहुत आराम से ये पिस जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया दाल पिस कर रेडी हो गई है। इस तरह से बिल्कुल हल्के दानेदार रहेगी, पूरी दाल अच्छे से पिस जाएगी। तो इसे पलट लेते हैं। तो यहाँ सारी दालें हमारी पिस कर रेडी हो गई है। ड्राई फ्रूट्स में हमने कौन से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं? तो यहाँ पर मैंने बादाम, किशमिश और नारियल का गोला है उसे कद्दूकस कर लिया है। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच मिक्सर छोटे मिक्सर जार में चीनी ले ली है क्योंकि इलायची पाउडर पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 करीब इलायची को इसको हम पाउडर बना लेंगे। चीनी के साथ ये आराम से पिस जाएगी क्योंकि इलायची की क्वांटिटी कम होती है, पिसने में टाइम लगाएगी या सही से पिसेगी नहीं, तो इसलिए मैं चीनी के साथ पीस लूँगी। तो 2 चम्मच चीनी ले ली है, उसके साथ पीस लिया है और उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच देसी घी और डालेंगे और इसकी खूब अच्छे से हमें करनी है भुनाई। कलर चेंज होने तक हमें दाल को अच्छे से भूनना है। बहुत अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी, दाल में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा और बहुत अच्छे से इसका जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर रह गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा और दाल बिल्कुल भरभरी सी होनी चाहिए। देखिए कलर चेंज हो गया है ना, हल्का येल्लो ब्राउनिंग सा ब्राउन सा कलर आ गया है। तो इसे हम एक परात में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे, 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल देंगे। आप 0.5 लीटर भी ले सकते हैं या फुल क्रीम भी ले सकते हैं, मतलब पूरे 1 लीटर भी ले सकते हैं या फिर दूध की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दूध का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसमें कोई भी खोवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दूध हमने लिया है, दूध में 1 कटोरी चीनी ली है। तो जिस कटोरी से मैंने दाल ली थी उसी कटोरी से मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है 1 कटोरी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो 1 कटोरी इतनी चीनी लीजिएगा, लेकिन अगर थोड़ा कम खाते हो तो थोड़ी कम भी कर सकते हो, मिठास आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो दूध में हमने चीनी डाल दी, अच्छे से मिक्स कर दिया और जो ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा लेंगे, जैसे बादाम और गरी थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचाएंगे। तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं और जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। इसमें आप काजू भी यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको जो अच्छे लगे जो आपके पास है वो डाल दीजिए। मैंने किशमिश पूरी डाल दी, थोड़े से मैंने बादाम और गरी बचा ली है। तो चलिए दूध को हल्का गर्म हो जाने देते हैं और 2-3 मिनट हो गए हैं, दूध में हल्का हल्का गरम हो गया है और यहाँ पे जो हमने इलायची वाला पाउडर बनाया है चीनी के साथ वो भी डाल देंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। दूध में गरम हो गया है, देखिए भाप आने लगा है, बस इतना गरम करना है हमें, ज़्यादा भी खौलाना नहीं है। और जो हमने दाल भून के रखी थी थोड़ी थोड़ी डालकर उसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। इसमें कोई लम्स ना पड़े इसलिए थोड़ी थोड़ी दाल मिक्स करनी है, एक साथ डाल देंगे तो लम्स पड़ जाएगी, फिर मिलाने में दिक्कत आएगी और अच्छे से मिलेगी भी नहीं और हलवा टेस्टी नहीं बनेगा। तो
तो थोड़ा थोड़ा हम दाल पिछला से डालते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दाल अच्छे से मिक्स हो गई है और इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। आप ये ऑप्शनल है, आप डालो या इसको छोड़ भी सकते हैं, मगर जितने अच्छे से ड्राई फ्रूट्स होंगे उतना ही ये टेस्टी लगेगा और हेल्दी भी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हलवा गाढ़ा होने लगा है, जब तक कढ़ाई ना छोड़ दे इतनी देर तक हमें इसे भुनाई करनी है, वो भी लो फ्लेम पे करनी है, हाई फ्लेम पे नहीं करनी है फ्रेंड्स, नहीं तो ये हलवा जलने लगेगा। और नॉन स्टिक नहीं है, आप देख सकते हो ये नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है, मगर बढ़िया बन जाएगा इस पर। और 2 चम्मच मैंने घी डाल के अच्छे से भून लेंगे। फिर लास्ट में सबको कलर नहीं अच्छा लग रहा था येलो सा, तो थोड़ा सा ऑरेंज कलर मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसी को कलर रख सकते हैं, या फिर जिस टाइम हम दूध गर्म कर रहे थे, दूध हमने 1 लीटर डाला था कढ़ाई में, उसी टाइम आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो जिस कलर की आपको बनानी है। तो मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाला है। 1 थाली में हल्का सा घी लगाकर हमने उसे ग्रीस कर लिया है, कुछ नारियल के टुकड़े उस पर बिछा दिए हैं, मतलब जो कद्दूकस करके रखा था। और ये देखिए दाल अच्छे से भुन गई है, मतलब हलवा अच्छे से भुन गया है और कढ़ाई छोड़ दिया है। तो गैस से उतार लेंगे और कलर भी बहुत प्यारा आया है क्योंकि मैंने हल्का सा ऑरेंज कलर डाला है। अब उसी कढ़ाई में जो हमने इसमें जो गरी बिछाई है ना, वो खाने में अच्छी लगेगी और देखने में भी, इसलिए हमने इसको इस तरह से बिछा दिया है। और इसको हम बर्फ़ी की जैसे जमा लेंगे। मैं थोड़ी मोटी मोटी बना रही हूँ, आप पतली मोटी जैसी भी बनाना हो वैसे बना लीजिएगा। इसे 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इस पर हम डाल देंगे ये नारियल का बुरादा ऊपर से भी, मतलब ड्राई फ्रूट हमने इसमें भर भर के डाले हैं जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे और देखने में भी। नारियल का बुरादा डालने के बाद हमने यहाँ पे 10 मिनट काउंटर पे छोड़ दिया। आप अगर को अच्छे से जमाना चाहते हो तो फ्रिज में रख सकते हो, और इसे और ड्राई बनाना चाहते हो तो और देर तक इसकी भुनाई कर सकते हैं, मतलब कढ़ाई में। देखिए मन चाहे पीसेस काट लेने हैं छोटे बड़े, तो मैं थोड़े बड़े बड़े पीसेस काटूँगी और मेरे जो ये चना दाल का हलवा है, बर्फ़ी है, वो थोड़ी थिक होगी, मतलब मोटी होगी, तो ये शेप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से, और फ्रेंड्स यकीन मानिए इतना स्वादिष्ट होगा कि आप मूंग दाल का, गाजर का कोई भी अगर हलवा खाते हो उसके आगे ये हलवा लाजवाब है। आप अगर इसको खा लिए ना तो कोई भी हलवा खाना पसंद नहीं करोगे। तो देखिए इस तरह से इसकी बर्फियाँ कट कर लेंगे। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी ये हलवा है, बच्चे हो चाहे बड़े हो हर किसी को पसंद आएगा और हेल्दी भी है क्योंकि ये दाल से बना हुआ है और खूब सारे भर भर के हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं तो ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये मॉडर्न घर में जो मुस्लिम लोग हैं उनके यहाँ ये बनाई जाती है सब्बे बारात में ये हलवा, और जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं मुस्लिम हैं जो ये हलवा लाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था खाने में। तो ये मैं आप घर पे बना कर रख सकती हूँ क्योंकि मैंने उन्हीं से ये रेसिपी सीखी है कि कैसे बनाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताई है, मैंने वैसे ही बनाया है और हर साल बनाती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसे ट्राई करिएगा, रेसिपी पसंद आए कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।